दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय साई श्रद्धा मोबाइल्स, ऑल मोबाइल सेल सर्विसेज एंड एक्सेसरीज नियर केएसआरटीसी कॉम्प्लेक्स मेन रोड बसवा कल्याण, एप्पल फोटो स्टूडियो, फोटोशूट, प्री वेडिंग शूटिंग, फोटो एल्बम अपोजिट टू शिवाजी पार्क मेन रोड बसवा कल्याण। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज बसवा कल्याण में। तहसील ऑफिस के बाहर एसआईओ, जीआईओ और दीगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। एहतजाज करने की वजह यह थी कि टीएमडीसी लोन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिला। आइए हम स्टूडेंट से ही सुनते हैं कि केएमडीसी लोन स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने रखता है। आज हम यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि कई माइनॉरिटी स्कीम्स, कई माइनॉरिटी डेवलपमेंट की चीज़ों में क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बजट को कम करते जा रही है, स्कीम्स को बंद करते जा रही है। तो आज हमारा एहतजाज इसी मकसद से किया गया है कि केएमडीसी जो सबसे बड़ा इशू आज कर्नाटक में बना हुआ है, स्टूडेंट को उनके एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत से पैंडेमिक की वजह से या बहुत सी चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट क्या है स्कॉलरशिप के एमडीसी लोन के ज़रिए क्या है अपनी एजुकेशनल फ़ीस को मुकम्मल करके एजुकेशन हासिल करते हैं, मगर आज एजुकेशनल के लिए एजुकेशनल लोन भी बंद हुआ है और स्कॉलरशिप भी कम आ रही है। तो इसी हम आज के एहतजाज से हम डिमांड करना चाह रहे हैं कि कर्नाटक से कि केएमडीसी जो लोन का बजट कम होते जा रहा है उसको बजट बढ़ाया जाए, 300 करोड़ बजट किया जाए और तमाम स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा उठाने के लिए मजीद से मजीद स्कीम्स जारी की जाए। केएमडीसी के सिलसिले में बहुत से क्राइस पैंडमिक की वजह से बहुत से स्टूडेंट ड्रॉपआउट भी हो रहे हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और क्या स्कीम चालू कर सकते हैं, उसके लिए गौर करना चाहिए, नए स्कीम चालू करना चाहिए। केएमडीसी को इस साल से स्टार्ट करके और मजीद बजट बढ़ाने की हमारी डिमांड्स है एजुकेशन के लिए स्पेशली। हुकूमत कर्नाटक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो केएमडीसी लोन बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए तो फिर से ओपन करें, क्योंकि हुकूमत कर्नाटक का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब हमें अमाउंट ही नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे पढ़ें, जब हमारे हर एक माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक चीज़ एक एक से मतलब रिमूव की जा रही है, तो हम कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग महफूज रहें। हम माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो गरीब घरानों से हैं, हमारे माँ बाप पेंडेमिक की वजह से परेशान हैं, तो जब हमारे तरफ से हमारे को जो स्कीम्स मिलते थे वो बंद कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ें। तो हम हुकूमत कर्नाटक से ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द फ्रेश अप्लीकेशन केएमडीसी लोन की जल्द अज जल्द ओपन करें और फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन करें और रिन्यूअल जिनका भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसे भी जल्द अज जल्द उसे सॉल्व करें। हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि ये हक है बच्चों का, स्टूडेंट का, और आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर आप ये लोन नहीं सैंक्शन करेंगे तो इसका ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे देश कैसे बढ़ेगा। देश को तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए लोन ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी बच्चे हैं बग़ैर लोन के पढ़ नहीं सकते, 2 साल से लॉकडाउन की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं उससे आप सब ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप ये बच्चों के लोन को सैंक्शन करें, जल्द से जल्द इस पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों से आप उनका हक मत छीनिए प्लीज़। ऐसा पकड़ो मैडम, मैडम।